अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रांझा रांझा करदे की एपिसोड 8 का प्रोमो नशर हो चुका है। आप नाज़रीन आने वाली एपिसोड में देखेंगे। साहिर जेल से बाहर निकल चुका है और नूरी साहिर को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने कहा था कि जाने से पहले तुम अगर मुझसे निकाह कर लोगे तो वहाँ जाकर मुझे बुलाने में आसानी होगी। जिस पर साहिर जवाब देता है कि हाँ नूरी, याद है मुझे सब, मगर उस वक्त हालात कुछ और थे और अब कुछ और। अब तो मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और जैसा कि आज के एपिसोड में आपने देखा, नूरी अपनी मालकिन के जेवर चुरा लेती है और वहाँ से फरार हो जाती है। इसे चलते पुलिस वाले नूरी के घर आ पहुँचते हैं और कहते हैं बाहर निकालो उस लड़की को। जिस पर नूरी की माँ जवाबन कहती है, क्यों निकाल रहे हो मेरी बेटी को, क्या किया है उसने? पुलिस वाले बताते हैं कि डकैती की है उसने और उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है। और वहीं दूसरी जानिब भोले को घर में पाबंद किए हुए रखा है, बाहर नहीं जाने देते उसे। जिसके चलते भोला घर में रह रहकर घुट रहा है और भोला रोते हुए कहता है, ठीक है मत जाने दो मुझे, मैंने ना आज छत से छलांग मार देनी है, अपने हाथ पांव सब तोड़ दूंगा, फिर आएंगे मज़े तुम लोगों को। और नूरी को पुलिस वाले ले गए हैं और उसे बाजियाब कराने के लिए शोका और नूरी का बाप आता है और शोका अपने आप को नूरी का मंगेतर बताता है। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मंगेतर यहाँ आकर बैठा है और हम यार को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर शोका हैरान रह जाता है कि ये क्या बकवास है। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि ये जो सामने खड़ी हुई है ना, ये अपने यार के साथ मिलकर डकैतियाँ करती है। लो जी, साहिर जेल से निकला तो नूरी जा पहुँची जेल में। आज इस प्रोमो में बस इतना ही। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।